आप सभी साथियों का नमो बुद्धाय। जय भीम के साथ दुर्गेश माता अभिवादन करता है। साथियों, बहुत ही हमारे लिए खास पर्व है। आप लोगों को पता होगा आज है 25 दिसंबर। बहुत से समाज के लोग हमारे क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन असल में आज क्या हुआ था उनको जानना बहुत ही आवश्यक है। आज 25 दिसंबर है, यानी कि मनुस्मृति दहन दिवस। आज हमारी आज़ादी का दिन है। आज हमारा बहुजन समाज सनातनी जो व्यवस्था थी ब्राह्मणवाद से आज़ाद हुआ था। आज के दिन हमारा बहुजन समाज बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज के दिन मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया था। आज हमने भी मनुस्मृति को दहन करने का कार्य किया है और बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद किया है। तो आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, फिर देख सकते हैं साथी। यहाँ पर हम सभी साथी 25-30 लोग नवयुवा बुद्धिस्ट समिति के लोग मिलकर मनुस्मृति का दहन किए हैं और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया है। और बहुत से साथी हमारे आए थे, लेकिन अभी हम आपकी भेंट करवाएंगे उनसे। तो साथियों में साथ बहुत से साथी हैं, बुद्धिस्ट कैमरा के फाउंडर श्रीकांत अम्बेडकर जी हैं मेरे साथ। मैं उनसे आपकी बात करवा रहा हूँ। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। कांत अम्बेडकर जी, आज 25 दिसंबर है, यानी कि मनुस्मृति दहन दिवस। क्या बहुजन समाज को मनुस्मृति जलाना चाहिए? बिल्कुल 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 मनुस्मृति जलाना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति के जो विधान हैं हमारे खिलाफ हैं और हमें जो उसके विचारों की कड़ी निंदा करनी चाहिए। संपूर्ण बहुजन समाज को मनुस्मृति को जलाना चाहिए और उसके विचारों की कड़ी निंदा करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति ही एक ऐसी स्मृति है जिसने जो है हमारे संपूर्ण बहुजन समाज को बांट के रखा था, हमें हुक्मरान बनने से रोक के रखा था और हम लोगों को जो है सत्ता में आने से रोक के रखा था। तो मनुस्मृति को हमें इसका सार्वजनिक रूप से इसको विरोध करना चाहिए। संपूर्ण बहुजन समाज से मेरी यही अपील है। और मनुस्मृति जो है बहुत ही सभी के लिए जो है बहुत ही खतरनाक है, जो सर्व समाज के लिए बहुत ही विनाशकारी है, हर तरह से सामाजिक रूप से हर तरह से, तो मतलब वो किसी को एक करने की इजाज़त नहीं देती है मनुस्मृति। मेरा सभी से निवेदन है कि आज 25 दिसंबर है और हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर नवी बुद्ध समिति में मनुस्मृति को जो है जलाया है। और इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों से बात करने आए थे। और साथियों, हम आप लोग दिखा रहे हैं, हमारे साथ नवयुवा बुद्धिस्ट समिति के सदस्य हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, सदस्य हैं हमारे साथ। ये बहुत ही कम उम्र के सदस्य नवयुवा बुद्धिस्ट समिति के। सब लोग हैं, जय भीम दोस्तों। हमारे कोषाध्यक्ष जी कहेंगे, इनकी उम्र बहुत ही कम है, लेकिन ये भी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में शामिल होकर बहुजन समाज के लिए कार्य करने के लिए बहुत प्रेरित हैं और बाबा साहब के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हमारा समाज जाग रहा है। हमारे साथ हैं नवयुवा बुद्धिस्ट समिति कोषाध्यक्ष। तो आनंद बाबू जी, आप क्या लगता है कि मनुस्मृति का दहन होना चाहिए? जी जी। और ये जो द ग्रेट लीडर कांसीराम मूवी रिलीज हुई है, क्या इससे बहुजन समाज को प्रेरणा मिलेगी? कांत अम्बेडकर ने जो अपनी बात अधूरी छोड़ गए थे, उनका फोन आ गया था, तो आपसे बात करनी है। बात क्या, बात कुछ नहीं करनी है, सिर्फ मेरा यही इस वजह संदेश है सभी से कि सभी लोग जो अपने महापुरुषों को जाने और अपने समाज के प्रति सब लोग थोड़ी समझती दिया लाए। और ये हम सबकी सभी की लड़ाई हमारे अधिकारों की लड़ाई, जब हमारे पास अधिकार ही नहीं रहेंगे हमारे संवैधानिक अधिकारों को, जिस तरह से लोग गला घोट रहे हैं हमारे संवैधानिक अधिकारों का, तो हमें सब लोगों को एक होना चाहिए। जब एक होंगे तभी हम जो है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगे और तभी लोग हम जो है सब लोग अपने अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों से आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, सभी लोग हमारे साथ जुड़े
और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और इस हमारे यूट्यूब चैनल छोटे से जय भीम वर्ल्ड वर्जन की आवाज़ को सब्सक्राइब करके एक बड़ी ताकत बनाएं और बाबा साहब की मिशन में अपनी भागीदारी दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लूँगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।